फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ जीएसटी ऑडिटर। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है। साथ ही आप यह भी देखेंगे कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितने थे और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का यूज कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स, सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को 15 जून 2021 को नोटिफाई कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 317 होगा। यह नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2022 से इफेक्टिव माना जाएगा तथा असेसमेंट ईयर 2022-23 और सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बेस ईयर को फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा 1981-82 से चेंज कर 2001-02 कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल ईयर 2001-02 से 2021-22 तक का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इस प्रकार है कि बेस ईयर 2001-02 में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 100 था, 2010-11 में यह 167 था और 2020-21 में यह 301 था, जबकि 2021-22 के लिए यह 317 हो गया है। फ्रेंड्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का यूज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि मिस्टर रमेश ने न्यू टाउन में 2001 में एक प्लॉट 5 लाख रुपए में खरीदा था और जब मिस्टर रमेश 2021-22 में उस प्लॉट को 2 करोड़ रुपए में सेल करेंगे तो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स ही नीड्स टू कैलकुलेट इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्लॉट। तो इस प्लॉट का इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 317 × 5 लाख डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 15,85,000 रुपीज होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1,84,15,000 रुपीज होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपने इस वीडियो में देखा कि 2001-02 से लेकर 2021-22 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितने हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं यह वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।